हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। तो दोस्तों हाल क्या है सर, फटी पड़ी है, बुरी हालत है, एग्जाम है सर पे, क्या करें। सुनो, बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी, तो सोचा फटाफट बता दूं, जिस तक पहुंच जाएगी अच्छा रहेगा। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम तेज से बोलूंगा, सारी चीजें सुन लेना, आखिरी तक सुन लेना। दोस्तों पांच सीक्रेट बताने वाला हूं जो आप लोगों को एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। बहुत दफा हमको पता होता है, बस हमको किसी और से सुनने की जरूरत होती है। सबसे पहला, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे एग्जाम में करते हैं वो ये करते हैं कि हमने पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर सका, या पेपर बहुत लेंदी था, हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द टाइम मैनेजमेंट बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। आपके शुरू के फर्स्ट मिनट से टाइम मैनेजमेंट शुरू होता है, और ये पहला मिनट वो 3 घंटे का नहीं, वो 15 मिनट का, जब आपके हाथ में पेपर आ जाता है उसके पहले मिनट से आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको अपने साथ एक घड़ी लेकर के जाना पड़ेगा। आपको पता है 100 मार्क का पेपर है और 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं लिखने के लिए, तो एक मार्क्स के पीछे आपको 1.8 मिनट मिलेगा। तो आपको उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ आएगा हर 4 मार्क के क्वेश्चन के पीछे आपको 7 मिनट मिलते हैं। आप जब पहला क्वेश्चन उठा रहे हो और आपको पता है अगर पहला क्वेश्चन 12 मार्क का है तो आपको 20 मिनट में क्वेश्चन लिख के हो जाना चाहिए। तो आप शुरू में अपने टाइमर रखोगे और उस टाइमर के सामने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जैसे ही 2:20 हुआ तो आप अपना स्टेटस चेक करोगे कि मैंने कितना लिखा है, और उससे आपको अपनी रियलिटी चेक समय समय पर लेनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे 2 से 4 बजे तक मैं अपने फ्लो पे लिखूंगा और 4 बजे मैं टाइम मैनेजमेंट शुरू करूंगा, तो आपसे बिल्कुल भी पेपर समय पर खत्म नहीं हो पाएगा। बस इतना याद रखना, अगर क्लास में एक भी बच्चे से टाइम पे पेपर खत्म हो रहा है तो मेरे से भी होना चाहिए, बस वो मेरे से बेटर टाइम मैनेजमेंट ना कर ले तो मेरे को करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। अब दोस्तों ये पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। 15 मिनट शुरू का 15 मिनट जो होता है वो गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर क्यों? अगर उस 15 मिनट में आपको एक्जैक्टली क्या करना होता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो मत पढ़ना, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और जनरली स्पीकिंग पहला क्वेश्चन ये लोग टफ डालते हैं आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, तो इन्होंने टफ डाला, हम पीछे से आ जाएंगे भाई। से भी 15 मिनट का जो समय होता है उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि मैं फिगर आउट कर लूं कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं और कौन से सीक्वेंस में लिखने हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे सिंपल सा जवाब, यह पहला क्वेश्चन तो वैसे भी कंपलसरी है, आप दूसरे क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करो, और जैसे ही आपको समझ आ जाएगा आपको ढूंढना है आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है जिसके आपको सारे सब क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको समझ आए क्वेश्चन 4 के सब क्वेश्चन सारे मेरे को अच्छे से आते हैं, तो आपका पेपर उसी आंसर से शुरू होगा जो आपका सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि उससे एग्जामिनर को इंप्रेशन बनता है कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है या कितना गधा है। अगर तुमने पहले में ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जिसका आंसर गलत है तो एग्जामिनर ओपिनियन बना के आएगा कि भैया ये तो आगे भी गलत आंसर ही लिखने वाला है। तो प्लीज आप अपना बेस्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना जिसका आंसर सबसे पहले लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वालिटी में अपने आंसर को अरेंज करना, मतलब हर वो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आता है उसको लिखते जाना, और उस तरीके से 15 मिनट में आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा, और ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा, वर्ड बाई वर्ड पूरा नहीं पढ़ सकते। अब दोस्तों उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एग्जाम के बाद ये बहुत बेसिक बात है और ये कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं पता है, पर मैं फिर से दोहराऊंगा और आपके दिमाग में डालूंगा कि एग्जाम हॉल के बाद बाहर आने के बाद पेपर डिस्कस नहीं करना है। और एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, से मन नहीं कर रहा है ना पेपर डिस्कस करने का कि नहीं यार कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप कर या ना करो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपके मन से जोर से आवाज आ रही है ना, नहीं यार मेरे को ना पेपर डिस्कशन करने की चुल हो रही है, तो जब समझ आना जब इतने जोर से आवाज आ रही है ना, मतलब पेपर डिस्कशन पे बेड़ा गर्क होना ही होना है। ये बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मन कर रहा है मतलब समझ जाना, और भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मन कर रहा है और आपने पेपर डिस्कशन कर लिया तो आपको अगले पेपर के लिए उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इंटर वाले अपना तो लॉ है यार, अपन ऐसी चीजें नहीं कर सकते। हर सब्जेक्ट को एक इंडिविजुअल बैटल की तरह देखा जाएगा। एक बैटल हार गए इसका मतलब जरूरी नहीं है पूरा वॉर हार जाएंगे। आप सुनने में तुमको ये अच्छा लग रहा है पर पेपर के बाद तुमको ये सारी चीजें दिमाग को अपने समझ नहीं आती है, पर ये गेम याद रखना, ये एग्जाम कोई बहुत ज्यादा रट्टेबाजी के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे चीजों के बारे में। समझ के चलो कि 8 पेपर अगर लिख रहे हो तो एक पेपर तो कोई ना कोई तो बिगड़ेगा ही ना, भगवान थोड़ी है। उस पेपर से उठ करके अगले पेपर को संभालना ही आपके सीए का गेम है जो आप लोगों को खेलना है। मैं आज बता रहा हूं क्योंकि जिस दिन पेपर बिगड़ेगा उस दिन बोलूंगा तो तुम मेरी बात मानोगे नहीं, पर उस दिन भी दोबारा बता दूंगा। और दोस्तों आपका अकाउंट या एफआर, जिसका भी जैसे फाइनल वालों का एफआर का पेपर है, आजकल अकाउंट का पेपर है इंटर वालों का, तो दोस्तों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। एफआर वाले तुम तो कर लो आगे का, फिर आप उसके बाद 2 सब्जेक्ट संभाल लो। मैं लॉ से आपको लॉ में आपका संभाल करके दे दूंगा, एग्जाम के पहले अपन मैराथन के लिए मिलेंगे। और इंटर वाले अपन सेकंड को तो मिल ही गए हैं सुपर 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो लॉ का टेंशन मतलब वो मैं आपको संभाल करके दे दूंगा। तो छोटी बात है जो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको बताऊंगा ताकि आपको पता रहे। बहुत सारी छोटी चीजें, श्विंगम लेकर के चले जाना एग्जाम हॉल में, ग्लूकोज लेकर के चले जाना और रेगुलर पेन लेकर चले जाना, मतलब जो पेन आप आज जिससे प्रैक्टिस की हो वो भी लेकर के चले जाना, नया पेन नहीं। क्यों सर? मैं आपको ग्लूकोज के बारे में बताता हूँ, ग्लूकोज लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर भी लेकर चले जाना। सर ऑडिट का पेपर हाथ में आया था और पेपर देख के ना एकदम हालत खराब हो गई, पसीना छूटने लग गया, मेरे पास ग्लूकोज का पानी था, मैंने खोला पिया, 5 मिनट में नॉर्मल हो गया। नहीं होता वहां पे सेंटर में नहीं मिलता तो फालतू के 15-20 मिनट बर्बाद हो जाते जिसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। तो प्लीज घर से च्युइंगम ग्लूकोज और अगर अभी ले सकते हो तो एक्स्ट्रा कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि भैया अपनी किस्मत है ना, किस्मत जब खराब चल रही होती है तो कैलकुलेटर आपका खराब होगा और आप ही के पूरे क्लास में एक जना एक्स्ट्रा कैलकुलेटर नहीं लाया होगा। तो अपनी किस्मत है तो अपने को पता है, तो प्लीज एक्स्ट्रा कैलकुलेटर जो है वो लेकर के चले जाना। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट, जिन्होंने यहां तक सुना उनके लिए बोनस, एग्जाम हॉल में घुसो ना, आपने कितनी मेहनत करी, आप कितने होशियार हो, आप कुछ भी करें आज के दिन में, आपने पहले कुछ भी किया हो, सब बाजू में आ जाता है। एक ही जना खेलता है, वो आपका कॉन्फिडेंस। मैं एग्जाम हॉल में घुसने के पहले 10 मिनट लगाता था अपने आपको ये समझाने के लिए, उसके पहले तक तो मैं गाली देता रहता था कि शुभम तेरे को कुछ नहीं आता, तू रिवाइज नहीं कर रहा, तू पढ़ नहीं रहा, तेरे को याद नहीं रहा, तू सब भूल गया, सब नेगेटिव स्टेटमेंट साइड में 10 मिनट पहले सिर्फ यही बोलना, अपन सबका बाप है बस।
आपको यह समझना है कि मैं जो भी चीज कहूं सब सही है. यू विल हैव टू से दैट टू योरसेल्फ. एनीवन टेलिंग यू दैट विल नॉट मेक यू रियलाइज कि यू आर डूइंग राइट. यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर कॉन्फिडेंट. एंड वो कॉन्फिडेंस में भैया तुम पेपर ऐसा संभाल लोगे ना, तुम खुद सोचोगे यार ये क्या हो गया, क्योंकि यार मेहनत अभी थोड़ी की सिर्फ डेढ़ दिन पहले. वो जो जितनी क्लासेस हमने करी वो भी तो मेरी मेहनत थी ना. वो जो इतने सारे घंटे क्लासेस किए, इतना आर्टिकलशिप में सबमिट करके सुबह क्लास करो, शाम को क्लास करो, इंटर वाले सुबह से रात तक क्लास कर रहे, वो मेहनत की कोई कदर नहीं है. तो भैया आज चाहे जो भी हुआ, एग्जाम का तीन घंटा आपका कॉन्फिडेंस संभाल लेगा, लेकिन वो आप पे है कि आप कितना कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम हॉल में घुसोगे. अगर तुमने अपने आप को याद दिला दिया आप कौन हो और क्या आपकी ताकत है, तो आप एग्जाम में फाड़ करके आ जाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी. तो दोस्त कॉन्फिडेंस लेकर के जाना एग्जाम हॉल के पहले 15 मिनट पहले बुक बंद कर देना, दोस्तों से बात बंद कर देना, और यही बोलना कि भाई मैं तो संभाल लूंगा, जो है भगवान अपने ही तरफ है, एग्जाम अपने लिए ही बनाए और ये डिग्री अपनी है, बस बात खत्म. ठीक है, तो ये दोस्तों ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना. नीचे एक बार कमेंट में अपने लिए लिख के जाना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई विल गिव माय एग्जाम में 200%. ये एक बार अपने लिए दिल से टाइप करके जाना और मेरे लिए वीडियो को लाइक कर देना. मैराथन आने वाले हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना. और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में. अंटिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो यू आर गोइंग टू नेल इट. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय.